उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट के प्रदेश हित में आए फैसले का कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया है। बताते चले कि हाई कोर्ट ने हरीश रावत को बहुमत सिद्ध करने का मौका 31 मार्च को दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को प्रदेश में बिखरने के तमाम प्रयास किए, लेकिन अपने इस नापाक मंसूबों में वे कामयाब नहीं हो पाए। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड की सरकार को गिराने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी थी उत्तराखंड में और राष्ट्रपति शासन लगाया था, हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है उत्तराखंड की जनता के हित में जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। और 31 तारीख को आप देखना, हरीश रावत जी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। और जो मोदी सरकार पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पे आतुर है, उनको जो है कड़ा जवाब मिलेगा।